आज हम बेटा कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? पार्ट चार, पत्ते ही पत्ते के क्या पढ़ेंगे कि हम किससे कहाँ कहाँ जाते हैं, है ना। हम स्कूल जाते हैं, अपने नाना नानी के यहाँ जाते हैं, दादा दादी के यहाँ जाते हैं, अपने दोस्तों के यहाँ जाते हैं, तो हम किससे कहाँ जाते हैं ये हमें बताना है। क्या लिखा है? तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर सही का और या नहीं की है तो गलत का निशान लगाना है हमें, है ना। क्या करना है? तुमने इसमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ चिन्ह यानी सही का चिन्ह या नहीं तो गलत का चिन्ह लगाओ। क्या लिखा है पहले देखे? सवारी, सवारी में क्या है? रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊंट, स्कूटर, भैंस। तो हमको, हमने ये सवारी कौन कौन सी की और कौन सी नहीं, तो हमने साइकिल से घूमने जाते हैं बेटा, रिक्शा से, तो हाँ, तो हमने इसमें राइट का चिन्ह लगा दिया है। बस से घूमने जाते हैं क्या बेटा? हाँ, बस से स्कूल जाते हैं, तो हमने भी इस पर राइट का चिन्ह लगाया है। फिर रेलगाड़ी में जाते हैं, रेलगाड़ी से हम नानी के यहाँ, दादी के यहाँ और भी जगह घूमने जाते हैं रेलगाड़ी से। बैलगाड़ी में गांव में आप जाएंगे तो बैलगाड़ी में भी बहुत से लोग घूमते हैं, तो बैलगाड़ी सबने देखी है ना, दो आगे बैल रहते, पीछे एक बैठने का बहुत बड़ा गाड़ी लकड़ी का बना रहता है, तो बैलगाड़ी में भी हम घूमते हैं। साइकिल, साइकिल चलाते हैं ना बेटा, बहुत से बच्चे साइकिल से इधर उधर जाते हैं घूमने के लिए। ऊँट पे घूमा है क्या? नहीं, तो ऊँट पे हमने गलत का निशान लगा दिया। ये देखिए, ऊँट पे हमने गलत का निशान लगा दिया। फिर स्कूटर है, तो स्कूटर भी चलाते हैं हम, स्कूटर पे भी बहुत से के घर में स्कूटर रहती है, वो स्कूटर में मम्मी पापा के साथ मार्केट, पिक्चर देखने या कहीं घूमने भी जाते हैं। जी क्या भैंस, भैंस पे बैठते हैं क्या बेटा? नहीं, तो भैंस पे हमने गलत का चिन्ह लगा दिया है। आपको ये कॉपी पे भी करना है। फिर ये देखिए, तुम कैसे जाते हो? तुम कैसे जाते हो, कहाँ जाते हैं हम? दादी के घर। दादी के घर काय काय से जाते बेटा? रेलगाड़ी, कार, बस। दादी के घर कैसे जाते? रेलगाड़ी, कार और बस से। फिर सिनेमा देखने यानी पिक्चर देखने काय से जाते हो? मोटरसाइकिल से, स्कूटर से जाते हैं ना, मोटरसाइकिल, स्कूटर से, ऑटो से भी, बस से भी जाते हैं। फिर स्कूल कैसे जाते हैं? बस और ऑटो से। स्कूल कैसे जाते हैं बेटा? बस और ऑटो से। फिर हाट बाज़ार, बाज़ार हम सब्जी लेने कब कैसे जाते हैं? मोटरसाइकिल से, बस से या कार से, है ना, मोटरसाइकिल से, बस से या कार से। और भी चीज़ों से जा सकते हैं हम, जिसके पास साइकिल है वो साइकिल से जाता है, अपने अपने साधन से सभी जाते हैं। ठीक है बेटा, ये हमने आपको पढ़ाया कि हम कैसे जाते हैं। अब आगे देखिए क्या लिखा है, बताओ कौन कौन टिकट लेकर के हमें, हम उनको देखते हैं। रेलगाड़ी, रेलगाड़ी में टिकट देखता है, TTI आता है हमारी, टिकट देखता है, है ना। और पैसा लगता है कि नहीं? तो लगता है, तो पैसा लगता है तो इसकी जगह हम क्या लिखेंगे? हाँ, पैसा लगता है, उससे टिकट हमें मिलती है, तो हम उस पैसे की जगह भी यहाँ लिखेंगे। मुफ्त में जाते हैं क्या? नहीं। और रेलगाड़ी में हम कैसे जाते हैं? पैसा देते हैं और टिकट भी लगती है हमारी। भैंस, भैंस पे टिकट लगती है क्या बेटा? नहीं, है ना। और पैसा लगता है क्या? नहीं, वो मुफ्त में सवारी कराती है हमें। ठीक है, रिक्शा, रिक्शा में पैसा लगता है, हाँ, तो राइट का निशान लगाएंगे। और पैसा लगता है तो हाँ, तो उस पर भी राइट का निशान लगाएंगे। फिर साइकिल, साइकिल में पैसा लगता है क्या? टिकट लगती है क्या बेटा? नहीं। और यहाँ पर भी पैसा लगता है क्या? नहीं। ठीक है, फिर ऊँट, ऊँट पे अगर हम सवारी करते हैं, कोई आता है हमारे पास, हम राजस्थान में जाएंगे, वहाँ बहुत सारे ऊँट रहते हैं, हमको सवारी करनी रहती है, तो हम ऊँट पे पैसा भर लगता है, टिकट लगती है क्या? नहीं लगती। उस पे टिकट लगती है क्या? नहीं। मुफ्त में सवारी होती क्या? जिसके पास ऊँट रहता है वो मुफ्त में सवारी कर लेता है। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी में पैसा लगता है क्या बेटा? नहीं। और टिकट लगती है क्या? नहीं लगती है। अब बस, बस में टिकट लगती है, हाँ, और पैसा लगता है, हाँ, तो बस में भी पैसा लगता है और उसकी टिकट भी लगती है। और आखिरी में क्या है? गोदी, माँ की गोदी, दादी की गोदी में पैसा लगता है क्या? नहीं। टिकट लगती है क्या? नहीं, वो मुफ्त में रहती है हमारी। दादी की गोदी कैसी रहती है? मुफ्त में। मम्मी पापा प्यार से, दादा दादी प्यार से हमें गोदी में बिठाते हैं, है ना। तो ये हमने आज आपको ये करके बताया है। अब देखिए ये क्या है बेटा, ये तो हमने, ये देखिए कॉपी पे भी है, हम इसको भेजेंगे, आपको कॉपियों पे भी लिखना पड़ेगा। अब ये देखिए कुछ सब्जियों के नाम, जमीन, क्या लिखा है? जमीन के अंदर होने वाली सब्जियों के नाम लिखो और चित्र बनाओ।
जमीन के अंदर होने वाली सब्जियों के नाम और चित्र बनाना है आपको। तो हमने कुछ चित्र बनाए हैं, ये देखिए, ये क्या है, अदरक है ना, फिर क्या है मूली, ये क्या है मूली, फिर ये क्या है शलजम, नहीं प्याज, क्या है बेटा प्याज, ये क्या है आलू, और ये क्या है गाजर। ये हमने चित्र बनाए हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं। अदरक ज़मीन के अंदर होती है, मूली ज़मीन के अंदर होती है, प्याज ज़मीन के अंदर होती है, आलू ज़मीन के अंदर होती है, और गाजर भी ज़मीन के अंदर होती है। ठीक है बेटा, आपको आज इतना ही करना है और वीडियो देखेंगे और उसको कॉपी पे भी लिखेंगे। धन्यवाद।